ये देखो डॉग्स के लिए मैं घूमने आई थी यहाँ पे, तो देखो ये पॉलिथीन है, प्लीज़ पिक अप आफ्टर योर डॉग। ये डॉगीज के पट्टी उठाने के लिए ये पॉलीथीन, आपको पॉलीथीन भी लाने की ज़रूरत नहीं है, उठाओ पॉलीथीन में डालो और फेंक दो। अब तो इससे ज़्यादा और क्या करेंगे ना सफाई करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कनाडा के कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर रही हूँ कि सबके दिमाग में आता है कि कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। तो आज मैं आपसे अपना मंथली एक्सपेंस शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि कितना खर्चा आता है। यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ मंथली बजट कितना हम प्लान कर सकते हैं, कितना खर्चा आता है कनाडा में। तो यहाँ मैं अपना मंथली एक्सपेंस बता रही हूँ कि मैं किस चीज़ों पे कितना खर्च करती हूँ, और जिससे आपको एक रफ़ आइडिया लग जाए कि यहाँ, क्योंकि मेनली क्या होता है, घर ख़रीदना है, घर रेंट लिप पे लेना है, खाने पीने का खर्चा, वाईफाई, गाड़ी। तो ये मैं एक आपको, जिससे जितना मैं पे करती हूँ, तो उससे आपको रफ़ आइडिया लग जाएगा कि मंथली एक्सपेंस कनाडा में कितना होगा। तो मेरा मेजर एक्सपेंस जो होता है वो पांच चीज़ों में होता है। पहला, सबसे पहला है रेंट, हाउस रेंट, वो मुझे पे करना होता है। ग्रॉसरी, मंथली ग्रॉसरी जो मैं करती हूँ। थर्ड है मेरी कार, जो जिसका मुझे पे करना होता है, फ्यूल के ऊपर खर्चा होता है उसमें, और मंथली इंस्टॉलमेंट जो मेरी उसकी जाती है। कार, वाईफाई जो इम्पॉर्टेंट है, तो वाईफाई कनेक्शन के लिए भी वाईफाई में पे करती हूँ। और मैं क्या पे करती हूँ, फ़ोन में आपका खर्च होता है मेन। तो मेरे ख्याल से ये मेजर एक्सपेंसेस यही हैं आपके, हाउस, फ़ोन। तो मेरा जो हाउस रेंट है वो $1,000 का है। अगर आप शेयर बेसिस पे रहते हैं, शेयर करते हैं अपार्टमेंट को, फ्लैट को, तो ऑब्वियसली वो आपका कम हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तो मुझे खुद का मैंने फ्लैट लिया हुआ है। और अगर आप शेयरिंग बेसिस पे रहोगे, स्टूडेंट्स आएंगे, तो जैसे मैंने बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्टूडेंट हैं, तो शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं। एक फ़्लैट है, उसमें अगर टू रूम का सेट है, ड्राइंग रूम में कोई और सो जाता है, मतलब किसी और को रेंट कर देते हैं, और दो रूम्स लोग ले लेते हैं, एक एक पर्सन वो मिल जाता है, तो इससे आपका शेयर हो जाता है। तो टू मतलब $250-$200 तक का वो पड़ जाता है आपको। और जहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ पे हर बिल्डिंग का सेम ही है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सबका सेम रेंट है, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं है। तो 1,000-1,050 में जो रेट चल रहा है वो मेरे यहाँ का वही है, और उसमें हाइड्रो इंक्लूडेड है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी का अलग से बिल पे नहीं करना पड़ता है, मेरे रेंट में ही इलेक्ट्रिसिटी भी है, पार्किंग भी है, और पानी वानी सब कुछ मतलब उसी में इंक्लूडेड है। पर हाँ, अगर आप कहीं और मतलब सबका अलग अलग होता है, तो कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें आपको हाइड्रो का अलग पे करना पड़ता है, पार्किंग का भी अलग पे करना पड़ता है। तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, $1,000 में सब कुछ इंक्लूडेड। तो सेकंड जो मेरा खर्चा जिसमें होता है मेन, वो है ग्रॉसरी पे। ग्रॉसरी पे मैं मंथली स्पेंड 350 अराउंड कर लेती हूँ। तो वो भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, वेजिटेरियन हूँ, वेजीज़ यहाँ थोड़ी कॉस्टली हैं एज़ कम्पेयर टू मीट्स। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा खर्चा आप लोग का बढ़ भी जाएगा, क्योंकि मतलब आप वेजीज भी लोगे, नॉन वेज भी लोगे। मैं ऐसा कुछ नॉन वेज पर एक सिंगल डॉलर भी खर्च नहीं करती हूँ, मेरा पूरा वेजिटेरियन आता है। तो 350 अराउंड लग जाता है। और आप शेयरिंग बेसिस पे, अगर वही स्टूडेंट शेयरिंग बेसिस पे है, तो वो ग्रॉसरी आपकी शेयर हो जाती है, तो वो थोड़ा आपको चीप पड़ जाता है। तो ये जो मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग में मेरा खर्चा होता है, ये वेरी करता है मंथ टू मंथ, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, क्योंकि कभी आटा लाती हूँ मैं, बल्क में लाती हूँ, तो आटा आप महीने में एक ही बार आएगा, हर बार तो आता नहीं है, ऑयल भी एक ही बार आता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप एक बार ही जिसमें खर्च करते हो, बार बार आप मंथ में नहीं करते हो। मंथ में तो वही प्याज टमाटर वगैरह आते हैं, तो वह वेरी करता है, पर हाँ लगभग आप मान लें कि 350 मेरा खर्च हो ही जाता है। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप बस राइड लेते हो, यहाँ बस यूज़ करते हो, तो बस में मंथली पास $80 का आई थिंक बनता है, मंथली होता है वो। और अगर आप डेली बेसिस पे टिकट्स लेते हो, तो मेरे ख्याल से वो $2.50 का, आई एम नॉट श्योर,
तो ये नोवा स्कोशिया के रेट हैं। नोवा स्कोशिया में आप $80 में पास ले सकते हो, और मैं क्योंकि कार यूज़ करती हूँ तो मेरे कार में मुझे फ्यूल का देना पड़ता है, मंथली मेरा फ्यूल है। सॉरी, ठंड लग रही है बहुत। एक्चुअली आप पीछे देख रहे होगे इतना उजाड़ सा पड़ा हुआ है पीछे। मैं एक्चुअली यहाँ पे वॉक करने आती हूँ शाम के, और आज संडे था तो थोड़ा फ्री थी, तो मैंने सोचा कि चलती हूँ, ये मेरे घर के पीछे ट्रेल है, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक ब्लॉग भी कर लेती हूँ, ब्लॉगिंग भी हो जाएगी, आपको आपके साथ शेयर भी कर लूँगी। तो मेरा यहाँ बैठने को मन कर गया, तो इसलिए आपको ये पीछे उजाड़ उजाड़ सा दिख रहा है, मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, थोड़ी शाम हो गई है। तो चलिए, हाँ मैं बात कर रही थी कार की। तो जो कार है, कार का मुझे फ्यूल का देना होता है, फ्यूल का एक्सपेंस वो भी डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस कितनी दूर है, घर कितनी दूर है। मेरा 15 मिनट्स की राइड है ऑफिस और घर की, तो मुझे लगभग पड़ जाता है 120, क्योंकि आप वीकली बस कहीं निकलते हैं तो वो भी डिपेंड करता है। वैसे ऑन एन एवरेज जो मैंने देखा वो 120 मेरा लग जाता है, और इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस होता है तो वो भी डिपेंड करता है प्रोविंस पे, और किस टाइप की कार है क्या है। तो आपका कार इंश्योरेंस थर्ड आपका होता है, अगर आपने कार इंस्टॉलमेंट पे ली है, आपको मंथली पेमेंट करनी होती है तो मेरा वो भी होता है, बाय मंथली पेमेंट होती है, सॉरी बाय वीकली बाय वीकली पेमेंट होती है, तो वो भी पे करना होता है। कार का इंश्योरेंस मेरा $150 मैं उसको पे करती हूँ, वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो गाड़ी के इंश्योरेंस पे मैं पे करती हूँ $150, वो भी डिपेंड करता है, जैसे उन्होंने बताया आपकी कार पे और आपके प्रोविंस पे, किस से आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी लेने से पहले आपका इंश्योरेंस होता है, तो मेरा वो भी लगता है। और बहुत ठंड लग रही है और मैं भूल गई हूँ कि क्या बोलना है। थर्ड है वाईफाई का मैं $65 पे करती हूँ। $65 जो है वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोवाइडर ले रहे हो। स्टूडेंट प्लान्स यहाँ होते हैं, तो अगर आप स्टूडेंट पे हो तो स्टूडेंट्स को कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं यहाँ पे, तो डिस्काउंटेबल रेट होते हैं, वो अच्छे ऑफर करते हैं। हम नहीं है स्टूडेंट तो हम 65 पे करते हैं। और फ़ोन पे का बिल पर पर्सन मैं और मेरे हस्बैंड 50-50 पे करते हैं, $50। वो भी डिपेंड करता है प्रोवाइडर के ऊपर, आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ आते हैं वो लेते हैं इंडिया कॉलिंग के लिए, इंडिया कॉलिंग फ़ोन आता है कि इंडिया कॉलिंग आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो, पर वो मुझे फालतू लगता है, क्योंकि जहाँ मेरे पेरेंट्स और मेरे मदर इन लॉज रहते हैं वहाँ वाईफाई है, तो आजकल सब वाईवा व्हाट्सएप वगैरह करते हैं, तो मतलब उसका मेरा बचता है। तो कुछ लोग मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स सर्कल में वो वाला प्लान उन्होंने ले रखा है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके नीड्स के ऊपर, तो मेरा उसका बचता है। टीवी का जो है, टीवी का हमने कोई ऐसा केबल वाला कोई प्लान नहीं ले रखा है, सेट टॉप बॉक्स वगैरह, क्योंकि हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम यूट्यूब देखते हैं, मंडे टू फ्राइडे इतना टाइम नहीं होता है, शाम के थोड़ा बहुत नेटफ्लिक्स देखा, यूट्यूब देखा, वीकेंड्स पे भी है, तो मेरा उसका भी सही होता है। और क्या होता है, हाइड्रो का इलेक्ट्रिसिटी का बताया कि वो मुझे पे नहीं करना होता है, क्योंकि वो मेरे रेंट में इंक्लूड है, पार्किंग का भी रेंट में इंक्लूड है। और क्या हुआ, टोटल जो पूरा मेरा मंथ का एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, वो 2100-2200 अराउंड हो जाता है। और क्योंकि मेरी सेविंग्स भी होती हैं मेरे लिए तो सेविंग्स ही है कि मुझे टीवी का पे नहीं करना होता, हाइड्रो का नहीं पे करना होता है। और मुझे लगता है इससे आपको आइडिया तो लग गया होगा कि हाँ कितना खर्चा होता है हाउस का, क्योंकि वो थोड़े से वेरिएशन ही होंगे, कहीं 1000 का कहीं 1200 का रेंट है। अब मैं घर आ गई हूँ, बहुत हो गई ट्रेल, बहुत बाहर ठंड थी, घर आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे टेम्परेचर के लिए 24 पे, ये हमारा थर्मोस्टैट है, इसे मैन्युअली मैं
टेम्परेचर कम बढ़ा सकती हूँ, देखिए 24, 25, 26 दिख रहा है आपको, 26 से कर सकते हो और घर में बिल्कुल हीटिंग हो जाए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा तो इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो ना देखे हो तो ऊपर क्लिक करिए और नीचे सब्सक्राइब, और अगर पसंद नहीं आया हो तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और मैं क्या देती हूँ।